हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जिम बडीज एंड फैमिली ब्लॉग। संडे का दिन और क्रिकेट मैच का दिन। बारिश के दिनों में थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि कुछ पता नहीं होता कब मैच कैंसिल हो जाए, बारिश हो जाती है। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा बारिश का मौसम दिखा रहा था, लेकिन आज जो है मैच कैंसिल नहीं हुआ। हम ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड्स की हालत वैसे बाकी काफ़ी ख़राब है। और देखिए पीछे एक ग्राउंड दिख रहा है, कवर्ड है इसका पीछे भी, और ये उस पर हमारा जो है अभी जो है गेम होने वाला है, मैच होने वाला है। तो इस मैच को जो है अब देखते हैं, पिच तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कैसे होता है। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया जो है T20 का वर्ल्ड कप जीत गई है। कल रात का मैच बहुत शानदार था, और इसमें जो है मैं हम लोगों ने जो लास्ट मैच देखा बच्चों ने मेरे साथ में जाके, मैं उसकी क्लिप्स भी ऐड करूँगा कल नाइट की जो है, तो आप लोग भी उसको इंजॉय करिएगा। इट वॉज़ ए ग्रेट मोमेंट, हम लोगों ने गज़ब का जो है इंडिया ने मैच जीता है। इट वॉज़ रियली ऑसम, मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग भी अपने जो है खुशी का इजहार ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए मैच स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने जो है टॉस जीत लिया है और अभी बैटिंग का डिसीजन किया है। फ्रेंड्स, आखिल भाई पहुंच गए हैं बैटिंग करने, और साथ में एक और हमारे भाई हैं नासिर भाई। और ये देखिए आखिल भाई दो चौके मार के आराम से खेलते हुए, कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने आराम से बॉल को देखा है और खेल दिया। और रन अभी नॉर्मल स्पीड से आते हुए, बॉल थोड़ा पिच पे रुक के आ रही है, लेकिन आप देखिएगा इस मैच का रुख जो है बहुत जल्दी जो है बदल दिया जाएगा। बहुत ही शानदार शॉट आएंगे। बॉलर अपने रन अप के ऊपर तैयार, और ये बॉल जो है देखिए फेंक दी गई, और ये बहुत ही बढ़िया शॉट आखिल भाई की तरफ से सीधे 4 रन के लिए। और अब आखिल भाई नए ओवर में बैट लेके, और ये देखिए ये मार दिया आखिल भाई ने अपना शॉट, बहुत ही बढ़िया शानदार शॉट सीधे, कितने रन के लिए था ये? 6 रन के लिए। फिर आए हार्दिक पंड्या, क्लासन की विकेट निकाली, गेम में वापसी कराई, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उन्होंने आउट किया माफो एंसन को। अब चीज से बदल चुकी है, अब ये गेम भारत के हाथ में, 11 गेंदों में 20 रन। सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसे संभालना है, वो है डेविड मिलर। अभी तक वो इम्पोर्टेंट, यहाँ साउथ अफ्रीका यहाँ से ये रन चेज कर सकती है, या फिर भारत अपना दमखम जो दिखाया है इसको बरकरार रहेगा। 10 गेंद 20 रन, 2 बाकी गेंदों के साथ ओवर की शुरुआत। ओए तो लंबा मार दिया, मार 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 भाई। खिलाड़ी नहीं, अभी हम फैन हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय टीम ये विश्व कप की ट्रॉफी लेके आए, ज्यादा दूर है नहीं। बहुत अच्छी वापसी की है, एक वक्त लगा कि मैच चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये मिलर का खतरा संभाल लीजिए। मिलर को किस एंगल से आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अभी तक आपने सिर्फ 1 रन दिए हैं। ये मिलर बड़े शॉट के पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी हो सकती है, क्या वो अंदर की तरफ लेके आएंगे जटिन, हवा किस तरफ चल रही है उस एंगल के लिए। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर, स्ट्रेट डीप मिड विकेट, एक डीप कवर पे, थोड़ा पॉइंट का फील्डर है लेकिन थोड़ा ज्यादा कवर्स की तरफ है। अर्शीप चौथी कैच कर भाई, मार दो। इनके पास विकल्प ज्यादा है नहीं है, हर बॉल पे घुमाने के लिए देखेंगे, और यह मिलर ही एक आखिरी होप है साउथ अफ्रीका के लिए। अगर वो स्ट्राइक पे रहते हैं
तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ऑफ द स्ट्राइक उनको रखेंगे रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की इस पूरे विश्व कप में काफी निकाली, उनके बदल में सूर्या अपना काम कर चुके हैं। भारतीय झंडा लहराता हुआ वेस्ट इंडीज के बारबाडोस के मैदान में और भारतीय टीम के लिए सिद्धू बाजी अच्छी बात है कि हमारा ये बैटिंग है, महाराज है साइड पे, कोई भी प्योर बल्लेबाज है नहीं, तो उस लिहाज से राहत की सांसें गेंदबाजों को भी। रोको रोहित शर्मा, विराट कोहली रोको, ये रोक रहे साउथ अफ्रीका को।
देख के आओ। जो हार्दिक पंड्या की आंखों से नजर आ रहे हैं, जो ईश्वर की आंखों से नजर आ रहे हैं, जो अस्थि की आंखों में नजर आ रहे हैं, भारतीय टीम की ये चैंपियनशिप साले साल याद रह जाएगी। क्योंकि जो लड़ाई जो लड़ी है, जो लड़ाई जो जीती है, जिसने भारत एक पत्र पीछे चलेगी वहां से आगे आएगी। ये सबसे जीत है जो फ्रेंड्स इंडिया जीत गई है T20 का वर्ल्ड कप। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग फिनिश करता हूँ। बाय, गुड नाइट टू टीम, शब्बा खैर।